क्या हुआ दादी? दांत टूट गया। कैसे टूट गया? पता नहीं कैसे टूट गया, चाय पी रहे थे, थोड़ा नमकीन खा रहे थे, उसके साथ में कहीं क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आप सबका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। आज क्या नया है वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग जी, कैसे है आप? आज तो बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं है ना। ठंडी 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 है, जम गया सारा, मिट्टी में भी शान जम गया भाई। और वैसे भी आज मेरे को और दादी को कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो हम आपको शाम को बताएंगे। तो अभी थोड़ा सा हम लोगों को काम है जो सुबह करने को, हम पहले वो कंप्लीट करेंगे। हाँ, पहले यहाँ का काम जो है ना। हाँ जी, फटाफट फटाफट करना भाई जल्दी। तो फटाफट तो उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से किया जाएगा। किया जाएगा नहीं भाई, अब जवानी में ऐसे होने चाहिए काम। कोशिश पूरी करेंगे। दादी को भेजा था कुछ लेने, तो दादी को मिला नहीं, तो मम्मी लेके आ गए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक है। तो आपको नहीं मिला? तो एक सुबह पापा को दिए, मेरे को नहीं मिली। तो आप क्या ढूंढ रहे थे वहाँ? ढूंढ रही थी भाई, मेरे को ढूंढ रही थी, हाथ में मेरे को लग गई। चलो अभी मैं मिलता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ पहले। बाय। ठीक है ठीक है। तो मैं अभी स्टोर रूम में आया हूँ। मेन काम क्या है, जो ये कट्टे हैं इनको खोल के रखना है, क्योंकि आज हम यहाँ वाले बगीचे में खाद डाल रहे हैं। तो जब भी वो खाद डालेंगे तो यहाँ से ये जो है ना खाद डालना इजी हो जाएगा, खुले हुए कट्टे होंगे। तो सबसे पहले मेरे को यही टास्क दिया कि मैं खोल दूँ कट्टे, एक दो तीसरा मैं खोलने लगा हूँ। तो इस वाले बगीचे में जो है खाद के लिए लाइनें लगा दी गई है, खाद थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो बच्चे पहुँच चुके हैं इधर और इधर उतराई में, तो यहाँ से नीचे वाले बगीचे में भी जाते हैं। तो मैंने भी चख लिया है करानू, ताकि मैं भी थोड़ी सी मदद करूँ इनकी, काफ़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ से ये वाला खेत मैंने सारा खोद लिया है, और ये तो ऊपर पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी मेहनत वाला काम है। तो अब ये इस वाले को खोदता हूँ। तो इस तरह से खोदना होता है तौलिए को, ये पूरी लाइन इसके पीछे बना दिया ताकि इसके साथ साथ में खाद डले, और फिर इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। मेरे आगे सारे औजार फेल हो जाते हैं। देखो ये भी मैंने आज तोड़ दिया, हे भगवान। अब भाई आएगा, भाई कर लेगा थोड़ा सा। तो इतना जैसा ही उखड़ा था, ये मैंने सारा कर लिया है, यहाँ से परे भी हो गया है, बस ये वाला करना है लास्ट। तो इसी के साथ अपना हो चुका है लंच टाइम, और दादी के लगे हैं मज़े, फ़ोन पे बात करते रहो, थोड़ा वॉक करते रहो। आपको पता हम कितना खोद के आ गए। अच्छा जी, ऐसी जवानी में, ऐसी जवानी में, नए खून में। हाँ जी, हर एक काम खुशी से है, हिम्मत से करने पड़ते हैं। हाँ? अच्छा, जब ऐसे आते हो गए खाने और बैठने की। हाँ? नहीं चलते काम क्या, और कुछ और? हाँ, और कुछ नहीं है, ये दो बच्चे हैं तेरे साथ बेचारे। हाँ जी, हाँ? भी काम कर रहे, पढ़ने वाले बच्चे है। तो लंच ब्रेक के बाद सेकंड राउंड के लिए तैयार है। तो अब इस बारी तुम स्पीड से काम करोगे हैं? मैं इधर से खोदना शुरू करूंगा ना, तुम परे से इधर को आना, ठीक है? तो जल्दी जल्दी करना। पर तो काम शुरू हो चुका है। तो एक पौधा मैंने ये कर लिया है। तो बच्चे जो है ना ये मोबाइल में वीडियोज ही देखने रहते, काम नहीं करते, तो बीच बीच में देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से आगे को बढ़ता हूँ और वो वहाँ से इधर को आएंगे, तो देखते हैं कितना हो पाता है। तो बहुत बढ़िया यार, अपनी टीम फ्री हो गई। तो एक काम करो, एक बंदा ऊपर वाली खेत से जाओ, एक बीच से, मैं नीचे से जा रहा हूँ, ठीक है? आगे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, कहीं नहीं हुआ होगा तो वहाँ कर लेना, ठीक है? माता श्री पिता श्री का आदेश है, चाय बगीचे में पहुँचाई जाए। वो आप देखो, वो आपका आपका है, किसी चीज में, मेरी बोतल में ले जाना ना, थोड़ा इसमें, थोड़ा किसी और में ले जाना। हाँ ये वो, नहीं, थोड़ा दादी के इसमें ले जाओ, इसमें। हाँ जी, तो कहाँ आपको चैन नहीं है घर में? क्यों करनी चैन भाई, आराम करना, मजे से बोर हो जाते हैं। ठीक है, मजे लगे आपके, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है ठीक है, कभी धूप कभी छाया, यही प्रभु तेरी माया, अद्भुत है प्रभु तेरी माया, ये डायलॉग्स हैं। आप तैयार हो चलने के लिए? बस तो तैयार ही है। पक्का है कि हमें जाना है? है? हमें पक्का जाना है, ऐसा है? हाँ जाना पड़ेगा, रातो वे नरे रोने दी थी, इतने डे होने नहीं नरे बुरे। ठीक ठीक ठीक, टाइम तो हम भी ऐसे मोजे रेडी, तो तैयार हो मोजे।
ठीक है दादी, ठीक है। क्या हुआ दादी? दांत टूट गया। कैसे टूट गया? पता नहीं कैसे टूट गया, चाय पी रहे थे, थोड़ा नमकीन खा रहे थे, उसके साथ में कि ये क्या है सख्त जैसा। अपना आपका लगा हुआ दांत था कि लगाया हुआ था? नहीं, ये तो अपना दांत था, अपना था, अपना से ये सड़ा हुआ, इतना टिका हुआ था और एकदम टूट गया, एकदम आ गया। सही, तो खप हो गया आपके साथ। ये हो गया भाई, अब क्या करें। ये भगवान, चलो चलो, दर्द हो रही है इसमें? कैसे ऊपर ऊपर से निकल गया? ऊपर से निकल गया। फिर तो ठीक है। आधा आधा क्या मतलब, आधा रह गया? आधा है नीचे, जड़े रह गई होगी। जड़े रह गई। ठीक 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 ठीक, इसको दिखा देंगे शिमला जाके आगे। उसको दिखाऊंगा अपनी पोती को और किसको? हाँ, दीदी को, शैलजा जी को दिखा वो देंगे। बोल आगे रही थी, आ जाओ आगे, अगर आप तुम मेरे पास रहना, मैं सारा कुछ आपका काम करके दूंगी। नाइस, बहुत बढ़िया, फिर जल्दी जाएंगे अब हम, ठीक है? बस मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर चलते हैं परे। हाँ, आप जाएंगे तो ठंड से जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो तैयार है आप? मेरे को एक चीज बताओ, ये सेब कहाँ से मिले आपको इस सीजन में अभी? वाह, थोड़े बहुत खराब हुए, बाकी तो मैक्सिमम ठीक ही है। ये मिले स्टोर में और कहाँ मिले। वाह यार, अगला सीजन आने वाला और अभी तक आपके सेब चले हैं। ना, ये भी के सेब है हमारे पास, अभी तक रहे हुए है, रखे हुए है। तो अभी अंधेरा थोड़ी ना, बैटरी निकाल दी आपने तो। हेलो आशु, हेलो सचिन, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे दादी? दादी चली घूमने। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं पुराने गांव दुइना, जहाँ हम पहले भी गए थे। दादी क्यों जा रहे दुइना? दुइना जा रहे हैं, कल साजी है ना, देवते के पास जाना पड़ता, माथे टिकाने ना। जो हम पहले भी गए थे मैं और दादी, उस टाइम बर्फ पड़ी थी साजी। तो हर महीने होती है साजी, तो जाना पड़ता है फैमिली मेंबर्स को, हमारे जाना पड़ता है। हमारे देवते इतने रक्षक है दुनिया में, बाहर भी रक्षा करते हमारे देवते, तो हमारे को माथे टिकाने जरूर जाना पड़ता है, रक्षा रखते है ये सब पर, दया दृष्टि रखते है। और आपके ना दादी दांत वो दिख रहा है जो टूट गया है ना बीच से, अब हम भी टूट जाने, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अभी तो बहुत टाइम है दादी, हजारों साल जियो आप। ठीक है मम्मी, बाय। मैं और दादी जा रहे हैं। आपने अब लगाई आग, अभी तक नहा के आया मैं, अब मुझे ठंड लग रही थी, चलो वहीं सेकेंगे जाके। बाय दादी। चलते चलते थक जाते हैं, तो मैं दादी को पकड़ के एक गाना गा रहा हूँ। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। वहां पे लाऊं के यहाँ पे आओगे? इधर से बैठना, इधर से बैठ जाओ, उधर लानी है, उधर भी ले आ सकता हूँ मैं। तो मोड़नी पड़ेगी मेरे को पहले, रुको। पिछली बार मैं और दादी पैदल आए थे, तो इस बार हम सड़क से आए, तो ये वाली सड़क यहाँ से जाता है ये रास्ता ऊपर। और दादी ने बोला आज हम लेट भी हो गए थे, इसलिए हमने सोचा कि गाड़ी में जाते हैं, और सुबह जल्दी भी जाना है हमें वापस। और यहाँ नीचे है खड्ड जहाँ पानी बहता रहता है, और इस वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। पानी का लेवल मुझे नहीं पता है कितना होगा, बहुत ही कम होगा अगर होगा भी। वैसे ये देखिए, और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। दादी ने तो चलना शुरू कर दिया, मैं भी चलता हूँ ऊपर को। इस सड़क को देखो कितनी नैरो है, साइड में थोड़ी सी ऐसी स्पेस मिलती है, तो ऐसे गाड़ी लगानी पड़ती है। और मैंने काफ़ी एज पे लगाई है, ताकि जो गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस हो तो इसको हिट ना कर सके। वाह, मान गए दादी को, जब तक मैंने ऊपर आना था दादी यहाँ पहुँच गए। धीरे धीरे से बेचारे चल रहे और थक भी रहे बीच में, मैं स्लो चलता हूँ ताकि वो ज़्यादा तेज़ ना भागे। तो मैं इस पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, और मुझे याद आया जो पुराना रास्ता था वो इस तरह से था, और इस पहाड़ पे इस तरह से एज एज पे जाना पड़ता था वो परे तक, तो काफ़ी डेंजरस रास्ता भी था। कोशिश करूंगा कभी अगर ये साफ़ होगा तो यहाँ से आगे दिखाऊंगा ये रास्ता आपको, बहुत ज़्यादा यूनिक था। अब हम लोग सीधे में पहुंच चुके हैं, यहाँ से सफ़र बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेन तो ये चढ़ाई थी जो हम यहाँ से चढ़े। रोज़ डे चला गया, यहाँ पे रोज़ लगा हुआ है, एक रेड है और देखो वाइट वाले भी है, वाओ सो प्रिटी। हाँ जी, तो हम लोग अपने पुराने घर के इस तरफ पहुंच चुके हैं। तो ये जो सामने दिख रहा है ये हमारा इस तरह से दिखता है पुराना घर, देखो कितना पुराना है, कैसे टिका हुआ है, ये भी एक अजूबा है। हमें डर यही रहता है कि कहीं गिर ना जाए। और इसमें लकड़ियाँ जो यूज़ हुई है, ये देखिए कितनी मोटी मोटी लकड़ियाँ थी, अब देखो कमज़ोर होने लग गई है सारी। और घर भी अगर आपको दिखेगा थोड़ा सा ना बेंड बेंड सा दिख रहा होगा अगर आपको घर में,
थोड़ा सा बेंड आ चुका है घर के वहाँ घर में। और एक और ये साथ में बिल्डिंग है, अब यहाँ कोई नहीं रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना घर है। तो ये है ओबरा जहाँ पे गाय रखी जाती है, और इसका जो दरवाज़ा है बहुत पुराना है, इतनी हाइट होती थी। सोचो इतनी सी हाइट में बहुत जो बहुत बड़े बड़े पशु वो भी इसमें एडजस्ट करके अंदर घुस जाते थे, और इसको इस तरह से खोला जाता था, और बड़ा भारी होता है ये, बाप रे, और इस तरह से अंदर होता है। और देखो कितना गर्म है यार, वाओ, पता मुझे इतनी गर्म हीट आ रही है अंदर से, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है। ऊपर रूफ देखो कितना छोटा है, कितना कम है। ये होती थी पुराने घरों की खासियत। अच्छा मैं वो दिखा रहा था आपको कि थोड़ा सा ये बेंड हो चुका है, तो यहाँ से देखो आपको थोड़ा सा ये बल्ज आउट सा दिख रहा है जो, तो ये प्रेशर ले नहीं पा रहा, थोड़ा सा बाहर आ चुका है। तो हम लोग आंगन में पहुँच चुके हैं, भैया ने जलाया है हमाम। ये है यहाँ से एंट्री, कुछ इस तरह से दिखता है इस तरफ से। पहले भी मैंने वीडियोस में दिखाया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए एक यूनिक सी चीज़ हो जाएगी। ये है हमारे शोभा भाई, कैसे है शोभा भाई? बढ़िया। ठंड कैसी है? दादी तो आते ही जो है देवता महाराज को प्रणाम करने लगे, आशीर्वाद लेने लग गए, क्योंकि इसी तरफ से वो मंदिर है ऊपर, जय देवता महाराज। तो हम इसी के लिए आए हैं सुबह, यहीं पे काम है हमें, जय देवता महाराज। तो मैं ऊपर गैलरी में आ चुका हूँ, तो इस तरह से गैलरी है, और ये देखिए सारे रूम्स लॉक्ड रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, शोभा भाई और भाभी रहते हैं। और सफाई देखिए आप कितनी एकदम शानदार है, नए लगते तकते जैसे नए लगाए। और पुराने वाली बिल्डिंग भी दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ किस तरह से है ये। ये हमारी पुरानी किचन है, दादी बैठ के, हेलो भाभी जी कैसे हैं आप? बढ़िया। तो भाभी जी शर्माते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ये है पुरानी किचन, हाँ। इस तरह से डिज़ाइन है, इसकी भी हाइट ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म, हाँ। और जब भी हम आते हैं तो सफाई देखिए आप एकदम टिच, हाँ। और यहाँ पे दादी के लिए लकड़ियों का स्टॉक रख दिया जाता है, हाँ। ताकि ठंड ना लगे। एक गैलरी ये है जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो यहाँ आपको मैं बताऊँ तो उस गर्मियों में ना पहले यहाँ पे सामान रखा जाता था बाहर, और यहाँ पे ताकि एक सहूलियत हो जाती, जैसे शेल्फ होती थी पुराने ज़माने की, शेल्फ बोल सकते हैं आप इसको। और ये यहाँ से आगे जाके थोड़ा सा रिस्की है, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि यहाँ होती थी मधुमक्खियाँ, इन मधुमक्खियों ने मुझे बहुत ज़्यादा काटा है और बचपन में। और यहाँ से आगे कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा पुराना है। एक चीज़ दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ये जो दरवाज़ा है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, और इसमें इस तरह से लगा होता था ये सिस्टम, और इसकी हाइट भी देखो आप बहुत ज़्यादा छोटी है, और कमरा भी उसी तरह से जो है ना काफ़ी अच्छा है अंदर से। और ये वॉशरूम होता था, और ये काफ़ी ही अलग ही वॉश टाइप का वॉशरूम था, अब इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। तो ये इतने सालों पुराना बाथरूम है, तो आप देख सकते किस तरह से बाथरूम है। एक खिड़की यहाँ पे है ताकि हवा आती जाती रहे, एक खिड़की इस तरफ को होगी, और ये देखिए यहाँ पे एक छेद है ताकि पानी यहाँ से नीचे जा सके, इस तरह से बना हुआ था। बाहर को है ये बिल्डिंग से, तो अभी इस टाइम पे काफ़ी खतरा है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये एक यहाँ से व्यू था कि अगर आपने यहाँ से पार देखना है, यहाँ से अगर आपने कहीं को भी देखना है तो आपको आप देख सकते हो। तो हर जगह को ऐसे ऐसे जो है देखने के लिए छोटे छोटे से स्पॉट्स बने हुए, और इधर से जो व्यू है वो इस तरह का है, जो सामने वाला गांव है वो पूरा दिखाई देता है, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू बोल सकते हैं आप यहां से। और ऊपर को शिवम उज्ज्वल का गांव, जो मैं हमेशा बोलता हूं वो टॉप पे है वहां पे। ये होता था मेल टू, यहां पे रखा जाता था दूध दही लस्सी, यहाँ से हम लोग जो है ना मक्खन चुरा के खाया करते थे। और ये देखो मशीन भी दिख गई मुझे इसी हिसाब से, वाह पुरानी यादें, तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी यादें हैं हमारी यहाँ से। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये तो अब ख़राब हो चुका है, यहाँ पे बर्तन धोते थे और इन शेल्फ पे वो सूखने के लिए रख लिए जाते थे, और जब यूज़ करने होते तो यहीं से ही लेते थे, तो अब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अभी मैं रूम के बाहर आए, देखिए दरवाज़ा खोल दिया गया है, सब बच्चे इस रूम में खेला करते थे, तो इससे बहुत ज़्यादा पुरानी यादें हैं। तो अब मैं आया हूँ इस रूम में ताकि मैं ये व्लॉग एंड कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और उसके बाद थोड़ा सा शूट करने को भी था, मैंने कोशिश की जितना हो सके ऐड ऑन करने की। आई होप आपको पसंद भी आया हो, अच्छा भी लगा हो। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ही खत्म करता हूँ, दादी अभी चूल्हे के आगे बैठे, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी वहां जाके थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। Oh,